अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शुजात भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि आपने हमारा बहुत साथ दिया और आपने हक सच के लिए आपने आवाज़ बुलंद की और आपने दिन रात इस पे बात की और बहुत मेहनत की आपने। तो मैं आपका और मैदी आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़िंदगी सेहत दे और इसी तरह आप हमारे केस के अलावा भी दूसरे लोगों का भी हक का साथ दें। और अगर किसी पे कोई भी मुश्किल आ जाए, अगर हम सब इसी तरह इकट्ठे हो जाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला हर किसी को इंसाफ मिलेगा। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका और आपके इस प्लेटफॉर्म से जो लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, इसके लिए आवाज़ खड़ी करें, और उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो डॉक्टर सज्जाद को सुनते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी के लिए और मेहंदी के लिए हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे और इसी तरह हमें इंसाफ मिले और मेरी बेटी ने जो तकलीफ़ें देखी हैं वो ख़त्म हो और आगे भी जो हक है, जो सच है, और उस पे ही वो सामने आए और उसी पे ही इंसाफ मिले हम सबको, मेरी बेटी को, मेहदी को। और आप सबका बहुत शुक्रिया दुआओं करने का। बस मैं यही कहूँगी बार बार कि आप लोग पहले से ज़्यादा दुआ करें और डॉक्टर सुजात के लिए भी दुआ करा करें। मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़िंदगी सेहत दे और आप इसी तरह हर बच्ची के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें। और आपका बहुत शुक्रिया, मुँह से भी बहुत शुक्रिया। और अदालतों से हमें इंसाफ मिला, बच्ची से मुलाकात हुई और बहुत पॉजिटिव हमारी मुलाकात रही। 5 घंटे कैसे ख़त्म हो गए मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं अपनी बेटी को सुनती रही, देखती रही और उसको मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मुझे उससे मिलके इतना सुकून मिला है ना, ऐसे सुकून मिला है जैसे बहुत बड़ा बोझ ख़त्म हो गया है। तो बस दुआ करें कि आगे भी मेरी बेटी खैरियत से रहे, खैरियत से आ जाए और इंसाफ मिले, जो सच है वो ही सामने आए सबके। तो बस दुआ कीजिएगा आप सब, और बस मैं यही पैगाम देना चाहती थी आप सब।